लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ता आज फिर से बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो 7 दिन बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। वहीं संयुक्त कलेक्टर अशोक यादव ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की जो भी मांगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया जाएगा। मांगे ये हैं, आशा बहने शासन का पूरा काम करती है, घर घर जाके पूरी योजनाओं का लाभ बताती है और जो भी उसको मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 6,000 की घोषणा की है तो हमारे ये इससे आशा बहनों को 10,000 मिलना चाहिए और आशा पर्यवेक्षक को 18 से 25,000 प्रति माह मिलना चाहिए और वो तनख्वाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए और हमारे आशा बहनों को एक आशा पर्यवेक्षक को कम से कम 12 से 15 का होते हैं। ज्ञापन दिया था, हड़ताल भी की थी पर हमारी मांगे जो रखी गई थी वो हमारी मांगे यानी कि सीएम साहब ने पूरी नहीं की और जो की भी है तो हम लोग का जो मानदेय है सहयोगियों का आशा सुपरवाइजर का तो 24,000 रूपए 18 से 24,000 रूपए होना है और जो हमारी आशा बहने हैं उनका है तो 10,000 की मांग रखी थी हमने। हमारी जो मांगे हैं वो अभी तक भी पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण हम आज भी कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ये आशा कार्यकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित आवेदन दिया है। हम इनको इनकी मांग है जो 7 सूत्री मांग है उसको हम तत्काल भिजवा देंगे।